के अपने आपे का किवें फरमा बरदार बन सकते। सीरत इब्राहिम तुहाडे सारे वास्ते नमूना है। हजरत इब्राहिम अपनी औलाद की तरबियत किवें कीती आई। अल्लाह करीम ने फरमाया औलाद बा अदब बनावनी वे, औलाद तरबियत याफ्ता बनावनी वे, औलाद अपनी ताबेदार ते फरमा बरदार बनावनी वे। हजरत इब्राहिम की जिंदगी नमूना है। अपनी औलाद को किवें तलब कीते, औलाद अगर तरबियत याफ्ता करनी है मैं अल्लाह करीम के सवाल कीता करो, क्योंकि औलादा दे खजाने दा मालिक मैं अल्लाह करीम हूं। मेरे अलावा कोई नहीं दे सकदा। धी देवां तो मैं दे सकदा, पुत्र देवां तो मैं दे सकदा, मेरे अलावा कोई रत्ता चिट्टा पीला काला नहीं दे सकदा, मेरे अलावा कोई उच्चा छिका औलाद नहीं दे सकदा, मेरे अलावा कोई आला ते अदना औलाद नहीं दे सकदा, मेरे अलावा कोई काला ते गोरा औलाद नहीं दे सकदा। मैं अगर ना देवण ते आवां, हजरत याकूब नबी को बेटी ना देवां ते ना देवण ते आवां ते शुएब नबी को बेटे दिने मत तो महरूम कर छोड़ा। औलादा मेरे के मंग जिड़ा मेरे के मंगया होया औलादा होवन, ओ मां बाप दियां फरमा बरदार हो जाना जन, जिड़ा मेरे के मंगया होया औलाद ओ अपने अपे दे ताबेदार हो जाना जन। ए तरबियत औलाद दा पहला गुर वी जो औलाद मंगी दिए अरशां वाले रब के। औलादा ले वाला कौन है? उच्ची बोलो हां ठरे, जौक नाल बोलो औलादा ले वाला कौन है? जे धागे पढ़ी जाना आला औलाद थे या जिन्हें कदा ही नहीं बधे हो तो होवे नहीं बे औलाद। औलाद दा सवाल जदा भी करना पोवी ए गलत मत लाइए मौलवियां ते को जो हजरत फलानी जात अपनी बीवी दिया नौ रातां चटगा, फलानी जात अपनी घर वाली को बिलावा बच्चा थी पोसा औलाद थी पोसा, अपनी घर वाली दे चोले चा सिंगवा सारी औलाद दे मसले हल थी पोसे नी। अल्लाह करीम ने फरमाए 86-90 साल तक हजरत जकरिया को औलाद नहीं मिलती, वतवी मेरे के मंगदा रह गए। 80-90 साल तक हजरत इब्राहिम को औलाद नहीं मिली, वतवी मेरे के मंगदा रह गए। बच्चे फरमा बरदार करना चाहते हो, औलाद तरबियत याफ्ता करना चाहते हो, अगर चाहते हो औलाद थोड़ी फरमा बरदार बने, तरबियत का पहला गोरी वे औलाद जन्ना भी मंगी दी अल्लाह करीम के मंगी दी। रब्बे हबली मिन सालिहीन। उची आग सुभान अल्लाह। दूजा गौर पहले इब्राहिम दा तारुफ कराए। जजाक अल्लाह खैर। हजरत इब्राहिम आदे के कुआं हुन सुनी दा। इब्राहिम दी औलाद दी तरबियत दा पहला गौर बच्चा कहने के मंगी दे जोर नाल बोलो सारे बोलो। दूजा गौर हुन जाग है पैदा थी गए हुन मर देखी। तरबियत औलाद करनी होवी इब्राहिम के सिख बच्चा इंजी जात पलींदा होंदे जिथा फिजा ते माहौल दींदा होवे। दुनियादारी दे माहौल च बच्चे नहीं पलींदे होंदे, सूद खोरी दे माहौल च अपनी औलाद नहीं पलींदी होंदी, जिता रोज फिल्म ते वीसीआर चलदे होवन इंजी जात अपनी औलाद नहीं पलींदी होंदी। जे बच्चे दी तरबियत करनी है दूजा गुर सीरत इब्राहिम बच्चा जो ही जाए बाल को चाके फलस्तीन दे माहौल चो कढ के मक्का मुकरमा दी पाकी ता जमीन ते आ गए ते जिथा अल्लाह करीम दा घर आई बैतुल्ला दे करीब अपने पुत्र को चा बिलाए। हालांकि पानी दी सहूलत कहे नहीं, छप्पर दी सहूलत कहे नहीं,
वत भी बच्चे दी परवरिश पर बयाबान दे इलाके गवारा है हे जो नाल अल्लाह दा घर जो मता माहौल चंगा लभे ते औलाद तरबियत याफ्ता थी पवे बच्चे को दुनिया कायनात ने अपू साइट माहौल च ना पाल्या कर दुनिया कायनात दे गंदे माहौल च अपनी औलाद को ना पाल्या कर औलाद पालनी है औलाद तेरी है रखनी होवी ते दीनी माहौल गोलिया कर ता इस्माइल अली कर तेरी औलाद भी फरमा बरदार थी वैसी पर भैया बान दा इलाका है छप्पर दा ना कोई नहीं पानी दे चश्मे दा ना कोई नहीं टुकुर ते नगन दी परवाह कोई नहीं हजरत इब्राहिम दामन फैला के आदा खड़े अल्लाह इस्माइल त दितई लेकिन मैं इब्राहिम दा दिल ला दे इस्माइल मेरा फरमा बरदार होवे अल्लाह फरमा बरदार हो सी अल्लाह पाका पहले तेरा फरमा बरदार बने पीछे मेरा फरमा बरदार बन सी रब्बाना इन्नी अस्कर तो मिन जुर्रियती बेवादन गैर जी जरैन इंद बैत कल मुहर्रम ए माहौल इंद बैत कल मुहर्रम इंद बैत कल मुहर्रम रब्बाना ले युकीम सला ते औलाद दा पहला गुर औलाद कहंदे के मंगी दी है ये कहें सिखाएं गुर हजरत इब्राहिम बोलो कहें सिखाएं मारका तवज्जो मेरी तरफ करे ते दूजा गुर केड़ा है इंजी जा ते औलाद पली दिए जिता माहौल केड़ा होवे जिता माहौल केड़ा होवे जिता नमाज ही कोई ना पढ़े उठा औलाद फरमा बरदार पलसी जेड़ी औलाद दे घर च पकण वाली कुन्नी हराम दे रोजी नाल पई पकदी होवे ईमान नाल दस वे बुजुर्ग ए जी औलाद फरमा बरदार बन सी मैं में चांदनी पहले पढ़िए हकीकत बात है कलेजा फटन दे आ गए जेड़े वेले अलामा इकबाल मां दे पेट च ना मां दे पेट च उना दा जेड़ा वालिद है ना उना दा वालिद ओ किस तरह दा कारोबार करंदा है मशकूक कारोबार है बच्चे दी उम्मीद थी है पता लग गया बाल दी उम्मीद है अपने घर वाले को आदिए तेरी कमाई आज दे बार घर है खाना पक्षी तेरी कमाई मशकूक के मैं अपने पेट च पलण वाले बाल को अपना ना फरमान नहीं बनवाण चाहंदे आज रोंदे हो मौली साहब मेरे पुत्र ने मेरी बाह भंग सटी है मौली साहब मेरे पुत्र ने मेरी पटकी लहा के दी है लोगों की रत चूस चूस के तुसा हराम खवाए तुसा जेड़े वेले बच्चे अपने दी परवरिश कीती है ना माहौल कोई पाकीज़ा हा ना इज्जत पाकीज़ा हा फरमा बरदार कीवें बने हजरत इब्राहिम ने अपनी औलाद की तरबियत की थी उनका दूचा गुर रहा के जा भी पाकीज़ा गोली है तर रिजक भी पाकीज़ा खवाए अपने जेवरात वेच के उनके टोटल पैसे इकट्ठे करके आठ नौ महीने वाला अरसा अपनी गिजा अपने हलाल पैसे नाल करेंगे रह गए अलामा इकबाल को मुसव्वर पाकिस्तान आदम से आज दुनिया जान दी है अगर बंदा थोड़ा जा कोशिश करे हजरत इब्राहिम दी जिंदगी नमूना है औलाद अली नमूना अली जिंदगी समझ जो औलाद की में सुधारिया पहला गुर रहे है औलाद कहने के मंगी दिए बोलो यार उची बोलो ते दूजा गुर रहे है के औलाद तेरी है चंगी जात रखी दिए ਕਿੱਥਾਂ ਰੱਖੀ ਦੀ ਇਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਵਸਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਛੋੜਨ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪੇ ਮੁਠੇ ਪੇ ਜਰੋਂਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੋ ਜਿਆ ਹੋਵੇ ਵਲਾ ਕੀ ਬਣ ਸੀ ਔਲਾਦ ਕੋ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਜਨਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲਿਓ ਮਰੂੜੇ ਕੀ ਦਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਅਮਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਛੋੜਨ ਉਹ ਅਮਨ ਆਈ ਕਿਆ ਹੈ ਅਮਨ ਆਈ ਵੈਦ ਕਾਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਰੱਬ ਜਾਲ ਹਾਜ਼ਲ ਬਲਦ ਆਮਨਾ ਅਮਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹੈ ਔਲਾਦ ਕੋ ਅਮਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਤੇ ਮਿਲਾਏ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਦੀਨਦਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी सीरत ने मेरे वास्ते नमूना है। हजरत इब्राहिम ने औलाद दी तरबियत किवें कीती है, त्रीजा पहलू ते त्रीजा पॉइंट। हजरत मेरी तरफ जरा तवज्जो करें, इब्राहिम दा क्या तरीका। हजरत इब्राहिम दी जिंदगी कोलो सबक मिलदे, अगर चाहंदे हो बच्चे फरमा बरदार बनन, पहले अब्बा आप अमल करेंदा होवे, बच्चे आपे आप अमल करन लगवेनन। पहले अब्बा आप फरमा बरदार होवे, औलाद आपे तरबियत याफ्ता बनवे दिए। पहले अब्बे च आपे अदब दी दौलत होवे, बच्चा आपे अदब वाला बनवे दे। अल्लाह करीम फरमेंदे अब्बा आप बेनमाज होवे, ऐसे बाप दी नमाज औलाद ही नहीं बन सकदी, औलाद नमाजी नहीं बन सकदी। अब्बा आप मुशरक होवे, औलाद मवहद नहीं हो सकदी। इब्राहिम आप ते अपने अब्बे आजर दा अदब कमाल करेंदा खड़े। अल्लाह करीम फरमेंदे ए अंदाज़े तरबियत औलाद दा हजरत इब्राहिम दी सीरत दे विचो ए अपने अब्बे दे सामने क्या खड़ा दे। सूरह मरियम वक्त नहीं वरना पूरा रकू तेरे सामने तिलावत करा। अल्लाह फरमेंदे वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु कान सिद्दीक नबिया इद काल लिअबीही या अबती। अदब देख, अदब देख, जेड़ा पुत्र को आप आके हुक्का बखा दे ताजा कर दे, औलाद शेर ना कुटे सी शेरे पवे, खुद अब्बा ते अम्मा लगन वाला होवे, खुद अब्बे ते अदब होवे। एड़े काफिर अब्बे सामने बह के आदा, या अबती, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान। ढंग से इब्राहिम अल्लाह दे मैं औलाद ते आपे बात अब देवणी है। अब्बा तड़िया खड़ा रहने, धमकियां खड़ा रहने, वत भी आना खड़े। काल सलामुन अलैक, अब्बा जी तेरे उते सलाम होवे। अल्लाह करीम फरमाए आप बात दा भाई ते आप जो बात दा भाई वत अपनी औलाद को भी आदा बेटे। वसा बेहा इब्राहिम वसा, हजरत इब्राहिम ने वसीयत की थी है। अल्लाह करीम फरमाए अपने पुत्र को ते अल्लाह फरमाए इब्राहिम दी अपनी खूबी यही है। इद काल लहू रब्बुहु अस्लम, काल अस्लम तो लिरब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाए मैं अल्लाह करीम ने इब्राहिम को आके मेरा फरमा बरदार बन। इब्राहिम फरमा बरदार बन गए। इतना लफ्ज असलम तो ते गौर कर, असलम ते असलम तो मैं आके मुती थी वन, इब्राहिम आके मुती थी गया। मैं के इब्राहिम मेरा फरमा बरदार थी, इब्राहिम आके थी गया। अल्लाह फरमाए इब्राहिम भी अपने पुत्र को आदा बैठे, मेरा पुत्र रात ख्वाब चरिठे मीते गुजबा पिया करे ना फन जुर माजा तरा, तेरी क्या राय। मैं अल्लाह करीम ने इब्राहिम को क्या ताबेदार बनवन। इब्राहिम को ये जुमले भी नहीं अलावने पाए गए। इब्राहिम सिर मशवरा बैठा करें दे, तेरी क्या राय। अल्लाह करीम ने फरमाया इस्माइल आखन लगे जिवें तुहाडी दिल लाके कर गुजरो, या अबते फल मा तो मर। ए अब्बा जी जिवें दिला दी वे कर गुजरो, जिवें दिला दी वे कर गुजरो, मैं अमल करे सां ते सबर करण वाले विचो पैसा। इब्राहिम दी तरबियत दा अंदाज पहला गुर औलाद दी तरबियत दा, औलाद हमेशा अल्लाह के मगी दी है। दूजा गुर औलाद दी तरबियत दा पाकीजा जा तेरी हैश करवी दी है। तीजा गुर औलाद दी तरबियत दा पहले आप अमल करींदे, पीछे औलाद आपे आप फरमा बरदार होंदी है। ते चौथा ते आखरी गुर औलाद दी तरबियत दा हजरत इब्राहिम दी सीरत के सिखो। अल्लाह करीम फरमाए सिर्फ बचपन च औलाद दा सहारा नहीं बणींदा, बल्कि सारी जिंदगी औलाद दा सहारा बणींदा। हुण तू कमावण जोगा थी गई, वड्डा थी गई, परनीज गई, पुत्रां आला थी गई।